अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लायक और ज़ेबा है कि जिस अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने मेरे तमाम हीरा ग्रुप फैमिली को कुछ अपडेट देने का मुझे मौका इनायत फरमाया। आज मैं बेलापुर ऑफिस नई मुंबई में बैठी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबसे जो है कुछ बातों का अपडेट देना चाहती हूँ, ताकि इसलिए कि हर किसी को एक अलग अलग मैसेज मिले, अलग अलग लोगों की तरफ से मिले। तो एक मैसेज मेरे तरफ से मिलेगा तो आप सबको इंशाल्लाह, मैं उम्मीद रखती हूँ अल्लाह की जात से, आप सबको इत्मीनान होगा और सुकून होगा। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बेलापुर ऑफिस है 6 फरवरी को ओपनिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हीरा डिजिटल गोल्ड को जो है लॉन्च किया गया। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, एहसान है रब का कि हीरा डिजिटल गोल्ड को लॉन्च किया गया और उसके बीच में आपको सबको काफ़ी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ा, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे मेंबर हैं, सबको भी, क्योंकि उसमें कुछ गलत लोग भी आ जाते थे, कुछ रेंट के लोग भी आ जाते थे जो हमें परेशान करना चाहते थे और हमको हीरा ग्रुप वापस चलाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए मैं आप सबको आज बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो मैं बेलापुर ऑफिस में सबको, हमारे मुंबई के जितने भी महाराष्ट्र के या कहीं के भी कस्टमर हैं, तो मैंने कहा कि जिसको भी देना है 20% इंशाल्लाह तुमको इमिडिएटली जो ज़रूरियात है उसके लिए देने का मैंने इधर वादा किया है। और दूसरी बात क्या है, उस पर काम चल रहा है इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से जितने भी लोगों को ऑनलाइन फिलअप करने नहीं आया उनके भी लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये किया है। अब जो लोग कंटिन्यू किए हैं वो लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस डिजिटल गोल्ड में कंटिन्यू है, और जो लोग डिसकंटिन्यू किए हैं उनका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है और उनका पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मिलना था मिल गया है, जिनको मिलना है वो और भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी मिल जाएगा अल्लाह के फजल से। पहले दिन से मैं यही कहती आ रही हूँ कि आप सबको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको किसी भी तरह का गम ये करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप सब खुशी से इत्मीनान से रहें। अब मैंने वादा किया था, उस दिन सब लोग बोल रहे थे चीख चीख के कि आपा तुम आई है रिबन काट कर चली जाओगी फिर हमारा कौन देखेगा। मैंने उस दिन वादा किया था आपसे कि नहीं, मैं 10 दिन इधर रुकूंगी और आप सबके तमाम लोगों के हालात को सुनूंगी, आपके तकालीफ़ों को सुनूंगी, आपके इमरजेंसियों को सुनूंगी, आपके ज़रूरियात को मैं सुनूंगी इंशाल्लाह। खुद बैठकर मैंने पर्सनल हैंडल किया, मगर ये व्हाट्सअप करते ही फाइनल उनको इमिडिएटली पेमेंट मिल जाना ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपका जब IBG आएगा आपको 3 लेवल पर चेक किया जाएगा। पर है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से, हमारी लीगल टीम की तमाम मेहनत से थोड़े मेंबरों को ऐड कर लो तो हमारा भी कुछ नाम हो जाएगा। कुछ ऐसे बहुत सारे चीज़ें चलते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। मैं हर किसी का रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर आपको जो पैसे दिलाना चाहते हैं मैं उनका भी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी इंसाफ करना चाहेंगी मैं आपके साथ खुद हूँ, क्योंकि मैं पूरी लड़ाई तुम्हारे लिए ही लड़ी हूँ कि मेरे मेंबर्स को जो है तकलीफ आई है, मगर आप सब मुझे डेली मुलाकात किए, मेरे हर दिन एक बार आपको बात हुई और एक सेशन में, 2 में 3 में 4 ट्रिप में, क्योंकि जितने लोग हो सकते थे उतने लोगों को सबको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बात किया। आप सबके करीब से तकलीफ देखने के बाद हर दिन रात में मेरे आंखों में आंसू आते हैं कि कब अल्लाह ताला आपके तकलीफ़ों को जो है पूरा कर देगा। मालूम है पैंडमेटिक आया, कोविड-19 आया, बिजनेसेस सबके भी स्टाफ हैं और बहुत सारे बेवा यतीम औरतें, जो गरीब औरतें और मजलूम औरतें हीरा ग्रुप पे डिपेंड थे, कुछ लोगों के लिपट में उनको भी तकलीफ पहुंची है, बहुत सारे घरों को तकलीफ पहुंची है बहुत सारे इससे। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ आकर जो है आप सबको यही समझा रही थी कि कंपनी का अगर तुमको रिटर्न चाहिए, अगर किसी का मिसिंग है, किसी का IBG फिलअप नहीं हुआ है, तो इसमें क्या है, आप एक बंदा एक पेपर में 10 लोगों का लिख कर दे देंगे, हम उस पर काम नहीं कर सकेंगे। एक IBG मेंबर एक का ही उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो उसी के बारे में इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने समझा दिया कि डिजिटल गोल्ड को भी लॉन्च किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आप काइन भी परचेज कर सकते हो, आप अपने वैलेट में डिजिटल गोल्ड भी आगे चलकर ले सकते हो इंशाल्लाह।
और दूसरी बात क्या है कि आगे चलकर कंपनी के जो प्रोग्रेस है, जो तिजारत है, वो बहुत अच्छी चलेगी। जो भी कंटिन्यू किए ही मेरे मेंबर्स, मैं उनको मुबारकबादी देती हूँ। ऐसे हालात में जबकि लोग भरोसा करना छोड़ दिए थे कंपनी पर, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करके मेरी हिम्मत और अफजाई को बढ़ाया है। और जिन्होंने विड्रॉल लिया है उनको भी मैं मुबारकबादी पेश करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने दिन मेरे साथ में खड़े रहे और हर वक्त मुझ पर भरोसा किया है। हाँ, मगर जो है अपॉइंटमेंट लेने का जो तरीका है ऑफिस में, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको एक गेट पास मिलेगा, वो गेट पास से आप खुशी से एंटर हो जाइए ऑफिस में। खुशी से आपको वेलकम कहने के लिए हमारे 50 स्टाफ बैठ के काम कर रहे हैं ऑफिस में, आपके लिए काम कर रहे हैं। आप अंदर आइए, आराम से बैठिए, सुकून से बैठिए और बात करिए। आपका क्या प्रॉब्लम है लेटर पर लिख कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं यहाँ से काम होने के बाद दूसरी जगह जाऊँगी, वहाँ पर भी वो लेटर्स रात में मुझे पूरे व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के स्कैनिंग के जरिए पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह मैं देखती रहूँगी अल्लाह के फजल से। अब तो डिजिटल की दुनिया है, कहीं भी रहो तो हमारे सब काम जो है आसानी के साथ इंशाल्लाह चलते रहेंगे। तो मुझे आप सबसे मिलकर, एक तरफ बहुत दर्द हुआ आपके दर्दों को सुनकर, आपकी तकलीफ को सुनकर, एक तरफ आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई इतने दिनों के बाद जो है आपसे करीब से देखने का मिलने का मौका मिला। और हर कोई कहता था मैं मेंबर हूँ, मैं मेंबर हूँ, मैं पहचान नहीं पाती थी कि इतने हमारे मेंबर हैं हीरा ग्रुप के। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह का शुक्र है। आगे भी चलकर हीरा ग्रुप के जरिए आपको अल्लाह बरकतें देता रहेगा और आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को इसमें अल्लाह ताला जरिया बनाएगा। एक इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड को हमने कायम किया, उस बात पर मैं आज भी कायम हूँ। इंशाअल्लाह मेरी जब तक रूह है कायम रहूंगी, इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप जो है कियामत के सुबह तक अल्लाह की फजल से जो है हीरा ग्रुप चलती रहेगी। और मैं आपको चार बातें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो वादा कंपनी ने किया है वो इंशाल्लाह पूरा आपको होके रहेगा। अब कई लोगों का पेमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ है, जो 20% तुम्हारे तकालीफ को देखकर मैंने जो स्टार्ट किया है, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, हेल्थ रिक्वायरमेंट, बहुत सारे रिक्वायरमेंट आए तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया। मगर जो लोग जो है जो कोर्ट में भी इंट्री हुए हैं, अब SFIO को भी भेजे हैं, CCS पे भी दिए हैं, कोर्टों में भी चल रहा है, वो लोग यहाँ तक आने की तकलीफ ना करें। आपको कोई भी इधर आके चीखने की, चिल्लाने की, गाली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जहां पर गए ही वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको इंसाफ मिलेगी जरूर। आप हक पर हैं। तुम्हारे लिए भी मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उनको पैसे नहीं दूंगी, मगर अचानक आ जाना, बगैर गेट पास के इधर खड़े हो जाना, कोई भी इस तरह के हरकतें करेंगे, कंपनी लीगल एक्शन लेने के लिए कभी पीछे नहीं होगी। जो भी लीगल एक्शन लेना है जरूर लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर लेकर जो है कंपनी को ओपन किया गया है और कंपनी को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि स्टार्ट यूर बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस तुम करो तुम्हारे लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अल्लाह की फजल से सबसे पहले मुबारकबादी देती हूँ कि हमारा कुकटपल्ली हैदराबाद जहाँ पर कंपनी का बेस है वो माल भी हमारा शुरू हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश तिरुपति का हमारा माल वहाँ भी स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाअल्लाह मुंबई में हमारी बेलापुर ऑफिस भी ओपन हो गई। अब सेंट्रल ऑफिस भी अल्लाह के फजल से जो है हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह ओपन है। आपके लिए सारे दरवाजे खुल गए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और हमारे लीगल टीम की मेहनत और तुम्हारे सबके सपोर्टर्स की दुआ और तुम्हारा तड़पना, वो तुम्हारे रातों का रोना, तुम्हारे ऑडियो वीडियो सब कुछ भी मैंने सुना है और सबको मैं मुबारकबादी पेश करती हूँ कि अल्लाह ने आपके लिए सारे दरवाजे अल्लाह के फजल से खोल दिया है। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर काफी लोग जो आए थे उन्होंने सवाल किया है, बहुत सारे 80% लोगों ने सवाल किया है, आपा जो डिसकंटिन्यू कर दिए अब क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब आप डिसकंटिन्यू कर दिए थे तो सवाल की जरूरत ही नहीं थी। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अब जो डिसकंटिन्यू करे उनका फिर से कंटिन्यू के लिए तो अभी कंपनी कुछ भी फिलहाल नहीं सोची है, वो डिसकंटिन्यू में ही रहेंगे। इंशाअल्लाह उनका जो भी पेमेंट दिया जाएगा, जो बैलेंस रहेगा वो उनको मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जो कंटिन्यू है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनको अल्लाह के फजल से जो है इंशाअल्लाह तिजारत में जो हिस्सा होना है वो हिस्सा भी मिलेगा। और आइंदा चलकर भी जो आप हमारा हीरा डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे, जैसा मैं हर मीटिंग में बताई हूँ कि जैसे डिजिटल के बदल में फिजिकल काइन, जैसे पहले से भी है, जैसे गोल्ड यूनिट कहते थे वैसा आप परचेस करेंगे इंशाल्लाह। मगर ये एक नए तरीके से पूरे वर्ल्ड को डिस्पैचिंग के लिए हमने 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम और 8 किलो तक जो है इंशाल्लाह लोगों के लिए अल्लाह के फजल से शुरू किया गया है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ
कि इंशाल्लाह बहुत से जल्द हमारे गल्फ कंट्री के ऑफिसेज भी इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के भी मेंबर्स के लिए सारे सर्विसेज जो है ऑन हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी अल्लाह के फजल से डेटा का इंतजार है, जैसा डेटा मिल जाएगा आपके जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी बैलेंस रुका हुआ है, जो भी है, क्योंकि वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा आपका सब कुछ। क्यों रुका हुआ है कि डेटा जो है हमारा कंपनी का बैकबोन है और उसी में आप सबके डिटेल्स हैं। आज मेरे पास एक बेसिक डिटेल है कि कौन है, ये एबीजी मेंबर में पहचान सकती हूँ, तुमने कितना डाला है वो भी पहचान सकती हूँ, मगर आयशा बोलेंगे तो आयशा नाम के 50 आयशा होते हैं, मगर कौन सी आयशा, उसका आधार कार्ड मुझे देखना होगा, उसका पैन कार्ड मुझे देखना होगा, उसके सारे चीज़ें देख के मुझे अप्रूव देना होगा। हाँ ठीक है, ये हमारी कस्टमर है, परफेक्ट है, इसने उसके ट्रांजेक्शन, कभी उन्होंने पेमेंट लिया, कभी ने फूड प्रोडक्ट परचेस किया, कभी टेक्सटाइल परचेस किया, कभी गोल्ड की ज्वेलरी शॉपों में जाके परचेस किए, वो सारे ट्रांजेक्शन देखने के लिए मुझे डेटा रिक्वायरमेंट होता है। और कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो पुराने ही, उनको उनके पेमेंट से 10 उतना मिल चुका है, 2 उतना मिल चुका है, 3 उतना मिल चुका है, इंशाल्लाह वो सब्र से रहे, मगर मैं उनके लिए भी नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं दूंगी, मगर फर्स्ट पहला जो है 18 और 17 और 16 वालों को इंशाल्लाह जो अदा करना है कंपनी इंशाल्लाह वो अदा करने की पूरी कोशिश करेगी। मैं पहले पहले बार भी बताती हूँ, कंपनी के पास सोर्सेस हैं, कंपनी के पास सहूलियात हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत न है। और मेरे तमाम मेरे मेम्बर को, मेरे हीरा ग्रुप के मेम्बर को मैं ये कहती हूँ कि आप कभी आंखों में पानी नहीं निकालना। जब आप आंखों में पानी निकालते हैं, आप आंखों से आंसू टपकाते हैं जब आकर, तो वो आंसू मुझे रहकर सोने नहीं देते हैं, मगर हालात ऐसे हैं कि हर तरफ हमारी चीजें, आज तक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हुआ कि इनके 249 अकाउंट्स को डीफ्रीज करो, हम आज भी उसके खींचे घूम रहे हैं, ये स्टेट में वो स्टेट में हमारे अकाउंटों को डीफ्रीज करो। सुप्रीम कोर्ट का 2 बार 3 बार आर्डर हो चुका है और आज भी कई जगह पर हमारे अकाउंट डीफ्रीज नहीं हुए, और दूसरे कई कई चीज़ें लीगल जो है प्रॉब्लम्स जो है बीच में आते रहते हैं, उसको कंप्लीट करना है, मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह रात और दिन आपके लिए काम कर रही हूँ इंशाल्लाह। आप जब भी ऑफिस में आएंगे, ऑफिस में विजिट करेंगे, हो सकता है 2 दिन के बाद मुझे मिलना पॉसिबल नहीं, मगर मेरे स्टाफ यहाँ पर 10 बजे से 7 बजे तक काम करते रहेंगे, मारने के लिए, गाली देने के लिए, जुल्म करने के लिए नहीं आना, और आप अपना काम करने के लिए, अपने पैसे की हद तक के लिए बात करने के लिए आ सकते हो, आप तिजारत के लिए आ सकते हो, HDG के बारे में मालूमात करने के लिए आ सकते हो, और कैसे खरीदना है, कैसे सेल करना है उसके बारे में ट्रेनिंग लेने के लिए आ सकते हो इंशाल्लाह। अब हमारे पूरे इंडिया में हर जगह इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होंगे और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जात की से उम्मीद है कि 1-2 साल 3 साल में वर्ल्ड के हर मोबाइल में हमारा डिजिटल कायम जरूर से जरूर होगा और हर वर्ल्ड का हर बच्चा, हर इंसान जो है डिजिटल गोल्ड को खरीदेगा, क्योंकि गोल्ड कभी भी डाउन नहीं होता, हाई होता है और इसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको भी जो है इंशाल्लाह ये करे। अब जो लोग पहले टेक्सटाइल में और फूडेक्स में थे, उनको भी मैं इंशाल्लाह गोल्ड में जो है बहुत जल्द थोड़ा ये फ्लो कम होने के बाद मैं कन्वर्ट करके आपके लिए जो है इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। आपकी खुशी है, आप चाहे आपकी प्रॉपर्टी अपने मोबाइल में रखो, आपकी जो ये है गोल्ड काइन के रूप में आप कन्वर्ट कर लो, ज्वेलरी में कन्वर्ट कर लो, पेमेंट में कन्वर्ट कर लो। आने के बाद भी कितने लोगों को मैंने गोल्ड सेटलमेंट नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी करने को रेडी हूँ। आज जो हालात थे, आप यहाँ के मंजर देख रहे थे, कल की भी जो हालात है आप देख रहे थे कि अंदर 300 लोग आराम से बैठे ही, सारे लोगों को काम चल रहा है, इतने काउंटर सी के 1100 स्टाफ बैठ सकते हैं, यहाँ पर काम सारे लोगों को आराम से चल रहा है, वहाँ कुछ रेंट के लोग आके आवाजें कर रहे थे जिनके पास ना कोई गेट पास था, ना कोई एबीजी मेंबर था, कुछ भी नहीं था, तो अब आके पुलिस को हैंडल करना पड़ा। तो आगे भी चलकर कोई भी इल्लीगल हरकतें कर ये नहीं सोचना कि हम कामयाब हो जाएंगे, आप लीगल से जो भी हो हम आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। आप रियल में हमारे मेंबर है तो फिर आपको बगैर गेट पास के आने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो गेट पास मिल रहा है, जब 300 लोगों को गेट पास मिला है तो 20 लोगों को क्यों नहीं मिलेगा, जब 300 लोग अंदर बैठ कर काम कर रहे हैं तो 20 लोग गेट के पास खड़ कर चीख रहे हैं जिनके पास गेट पास नहीं है। अब उनके सपोर्ट में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, उनके सपोर्ट में कुछ गंदे नालियों के जैसे लोग, सब लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं और वो गाली गलौज भी कर रहे हैं।
तो आपको मैं बताना चाहती हूँ सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि इंशाल्लाह हीरा ग्रुप के पास आपको कभी भी एक पैसे का धोखा नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं कभी भी, जो मेरा वादा मेरे जान से बढ़कर है, मैंने हर एजेंसी को ये जवाब दी है, आप चाहे तो चेक कर लो कि मुझे मेरे लोगों का पेमेंट करना है, फ्री कर दो, हमारे प्रॉपर्टियों को, हमारे अकाउंट को, हमारे पेमेंट्स को, सबको फ्री कर दो, मुझे देना है। मगर जितने भी अकाउंट डीफ्रीज हुए हैं उससे मैं अभी काम चला रही हूँ आपका। इंशाल्लाह जैसे भी होगा अल्लाह के फजल से बहुत जल्द से जल्द इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अभी डेटा भी जैसे मिल गया हमको इंशाल्लाह, तो जरूर से जरूर बहुत जल्द डेटा सेंटर भी ऑन हो जाएगा, जब आप खुद अपनी यूजर आई डी से जो है उसको देख सकते हो, फंड कर सकते हो, आपके पेमेंट्स को सब कुछ भी। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत लंबा वीडियो हो गया, मगर आपको ये बातें सब आपको बताना चाहती थी, ताकि आप यहाँ के लोग तो अपॉइंटमेंट ले रहे थे, आ रहे थे, सब कुछ पूरे वर्ल्ड में लोग जो है देख रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या चला है, सुनने के लिए तैयार हैं। तो फिर काफ़ी मैसेजेस आप एक वीडियो अपडेट दो, तो मैंने आज अपडेट भी दिया। जज़ाकल्लाह खैर आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। जैसा मैं महाराष्ट्र में आई तो मुझे लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोग उस दिन जब मुझे लोग जो है मार देने की कोशिश कर रहे थे और मुझे वापस कराने की कोशिश कर रहे थे, गलत तरीके से वापस कराने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त मैंने भी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके हिम्मत से आगे बढ़ी, नहीं मैं मेरे लोगों को छोड़कर, मेरे मेंबर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, और मैं उनको जवाब दूंगी, उनको रिप्लाई दूंगी, कंपनी के हालात उनके सामने रखूंगी, क्योंकि मेरे मेंबर जब 20 साल से मेरे साथ ही, तो वो मुझे जरूर से जरूर समझेंगे इंशाल्लाह। मैं आज भी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे जरूर से समझेंगे। अभी आपके वो 20% पेमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से सिलसिला स्टार्ट हो गया है, और काफी लोगों की आज ऑडियो सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आपा बड़ी खुशी हुई हमें पेमेंट मिल गया। इतना कोई लेडी तो रो रही थी कि मैं अभी जा रही हूँ कुछ घर के ग्रोसरी लाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पेमेंट मिला। कोई औरत बोल रही थी अब मैं मेरे इनको जाके ट्रीटमेंट करा सकती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी मिली आपकी बात सुनकर। मैं इंशाल्लाह आपके लिए अपने पूरा जान लगाकर इंशाल्लाह मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के फजल करम से आप भी दुआएं करें, आपकी दुआएं, आपका सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है। आप सबके सपोर्ट से अल्लाह ने ये दुआ से कामयाबी किया है। जितने भी लोग हीरा ग्रुप के लिए मेहनत किए हैं, आज वो चिरागे जल रहे हैं अल्लाह के फजल से, उसमें भी वो हिस्सेदार ही, हर मेंबर के चेहरे की मुस्कुराहट में वो हिस्सेदार ही अल्लाह के फजल से। अल्लाह आप सबको जजाए खैर अता फरमाए। जजाकुमुल्लाह खैर वह अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।